नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। में पूजा शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। गरीबों के हिमायती बनने वालों ने अपने लाभ के लिए भारी बरसात में पहले तो उन्हें बेघर कर दिया और अब जब पीड़ितों ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है तो सत्ता के दबाव में मामले को वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर फरियाद लगाई है। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा के नवस्था का है, जहां विगत दिनों भारी बरसात में एक दर्जन परिवारों को बेघर कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया है कि ग्राम पंचायत ने गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के साले को दिया गया है, जिनके द्वारा उन्हें बेघर करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि पास में ही वेयर हाउस का निर्माण विधायक के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें बेघर किया गया है। पीड़ितों ने बताया कि कई वृद्ध परिवार में हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, उन्हें भी बेघर कर दिया गया है। उक्त मामले की शिकायत पीड़ितों ने कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों से की तो नवस्था चौकी प्रभारी उल्टा मामला दर्ज कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं गरीबों के मसीहा बनकर वोट लेने वाले और उन्हीं को प्रताड़ित करने वालों के संबंध में पीड़ितों ने क्या कहा है। घर गिरवा देनी मिश्रा भरा भादा मांझे पानी उधिना खूब। कौन गिरवा दिया है? कौन गिरवा मिश्रा? और सरपंच, सेक्रेटरी वंदना, इन सब रहा के त्रिपाठी हरे, इन सब मिल के हमारा घर गिरा देनी। हमारा गल्ला वही में सर था, अब वही मांझे 6 बजे ले आके रे वहाँ से गाड़ी से धसा दिए। हम मारत रहन कि हम यहीं से मर जा देता, टांग टांग लग जाते रहे, गाड़ी में टांग देते रहे, हमारे सामान नहीं निकाल रहे थे हमें। कौन नहीं निकालने दिया? अरे यहीं के घर गिरवा मिश्रा या जय मिश्रा आ जाए अमर नाना हम सुकुल ले लुआ आजा मिश्रा या बोल रहे कि सब पर भाग जा और नहीं तो सब पर पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये में सब कहत रहे हैं तो हमार को नहीं निकाल रहे, देत रहे कि मां सामान भरता निकाल ले देखने गए हम। अब 3 महीना भाई हम ना सा गए। हमारा एसपी साहब से आपने शिकायत की थी तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब बोले कि कलेक्टर के पास जाओ, ये बोलते नहीं कलेक्टर के साथ आपसी साहब पहन के जाओ भाई। ये बोल रहे हैं केपी त्रिपाठी के सार संजय मिश्रा, अजय मिश्रा, अजय मिश्रा, हमार लोगन के बरसात में घर गिरवा दिए और सामान नहीं निकाले दिए हैं। पुलिस वाले बोले कि ये जो कैसी तो ऑफिस कर लो, आ नहीं तो तुम लोग एक कागज डालोगे तो हम 4 कागज डालेंगे और सबको FIR कर देंगे, आ सबको अंदर कर देंगे। हम लोगों को परेशान क्यों करते हैं? तो हम यह बोल रहे हैं कि हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं, परेशान तो आप लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के घर गिरवा दिए हैं। बरसात में हम लोग सेक्रेटरी, सरपंच, पटवारी, क्या कहा थे, किस ग्राम से हैं आप? नमस्ता, नाम नाम बताइए अपना। हमारा नाम आशा साठे सुखला और सिक्योरिटी सरपंच मिल के 9 तारीख को इतना झड़ाझड़ पानी बरसत रहा है और वही दिना बरजत बरस हमारा पानी सब गल्ला पानी जितना भर रहा सब अंदर कर दिन, कुछ भी नहीं निकाले दिन है। ये कितना के कहती त्रिपाठी के कहने में? कौन त्रिपाठी? केकी त्रिपाठी, केपी, केपी विधायक है। क्यों गिरवा दिया आप लोगों को? बोला कि सरकारी बनवा रहे हैं, वो वेयर हाउस बनवाता है। आप बोले नहीं कि सरकार को कहती है कि गरीबों के लिए सरकारी जमीन है जहाँ बना लो, ये सब बोले। वो बोला नहीं, 6 बजे तो गिरा के रीत गया। हम लोग घर में रहे, जब घर गिरा दिए, जब आए तो उसमें पुलिस यहाँ पूरा नगर निगम पूरा सगले हार के पुलिस कहीं भगावत रहे, जनता कहीं खड़े नहीं हो रहे जनता का। एफसी कार्यालय आए, एफसी कार्यालय ने बोले कि वो कलेक्टर के पास जाओ, बहुत अच्छे उनको तुमको जगह जमीन दिला देंगे। कौन बोला? वो सीएफसी साहब। क्या कुछ धमकी उमकी मिल रही है? अभी क्या मामला है? पुलिस वाले चौकी में गए, रिपोर्ट हुआ, चौकी में बुला हुआ तो बोला यहाँ से हम कागज गया होगा तो चौकी में बुला हुआ तो चौकी वाले बोले कि वो तुम लोग शिकायत की हो, अगर शिकायत हमरे कर हम करेंगे तो तुम हाँ तुम 2 पन्ना लगा, तुम 4 पन्ना लगाएंगे, तुम्हारे FIR दर्ज कर देंगे। नवस्था पुलिस वाले किसके दबाव में कह रहे हैं वो ऐसा? केपी त्रिपाठी कहते हैं हम दबाव डाले हैं।
केपी त्रिपाठी का है तुम लोगों से विरोध मानते हैं दुश्मनी? ये हम गौशाला बनवा रहे हैं, गौशाला बनवा रहे हैं, गौशाला में बियर हाउस बनवाते हैं, बियर हाउस अपने लिए बियर हाउस बनवा रहे हैं। हाँ जी, ये अपने की थी अपने। अब क्या करेंगे आप लोग, कहाँ रह रहे हैं? हम वहीं झोपड़ी बना बना के रही थे, ऐसे झोपड़ी बना मन में कुछ सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं है, ये समय 9 तारीख का अब संजय के पी त्रिपाठी की साले बहनोई है, मिलके गौशाला बनवा रहे हैं बस्ती के अंदर। तो हमारा 5-10 साल के घर बना हुआ है, तो यही बोलते हैं कि तुम घर खाली करो, नहीं हम तुम्हारे को हम घर गिरा देंगे। तो 6 बजे लैया के गिरा दिए साहब घर, हमारा गल्ला पानी से माटी हो गया, हमारा हाथ पकड़ पकड़ बाहर निकालते रहे, कहीं बोलोगे तो पुलिस पकड़ लाई जाएगी, तुमको बेड़ देंगे। अब कल पुलिस वाले बोले कि तुम वहाँ गई शिकायत कर रहे हो, तो तुम्हारो तुम 4 पन्ना हम लगाएंगे, तुम 1 पन्ना लगाओगे, तुम्हारे में लड़का में सिरों के सबको परेशान कर डालेंगे। झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं जी। हाँ, हमको धमकी दे रहे हैं साहब, गरीब मन हम कहाँ जाए, परेशान कर रहे हैं सरकारी में। एसपी साहब से क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि हम आका जैसे हमारा घर गिरा गया है, तो हमको कुछ आधार बना आधार देना चाहिए, हमको मिला चाहिए। पन्ना बनाएंगे तो क्या करेंगे है? तो हम बच्चे कहाँ मारी, लड़का बच्चे हमारा कहाँ भूखन मारे, कहाँ हम बच्चे जाए, छा छत्र नहीं है, बारिश होती तो बच्चे कैसे हैं? होगा ऐसा यहाँ वहाँ नहीं रहा है, आवत है एक एक घर में। कितने परिवार है जिनका घर उड़ा दिया गया? ये 9 जन घर गिरा है, 9 जन के किसके कहने पर सभी हो रहा है? ये अजय मिश्रा के और केपी त्रिपाठी। कौन है केपी त्रिपाठी? ये हरदी वाला विधायक है, वही गिरवाया है, वही गिरवाया है। अजय मिश्रा साला है केपी त्रिपाठी के, वही ठेका लिया है गौशाला। हाँ वही ठेका लिया साहब, हमारा 10 साल से घर बना हुआ है, तो ये आवे 2 साल से घर गौशाला बनवा रहा है, कहता कि घर हटाओ, हम इनठे गौशाला बनवा रहा है, बस्ती नहीं रहेगी। हमारा 10 साल घर बना साहब, आज हम कहाँ चले जाए बरसात में, हमारा घर गिरा गया है, हैं झड़ झड़ पानी बरसत रह गया है हमारा गेंदिया साकेत। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे, हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।